रेडमी फोन में कैसे जो है कॉल रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करते हैं। तो एक भाई ने मेरे पास कमेंट भेजा था, उस कमेंट में उन भाई ने ये पूछा था कि भाई रेडमी के लिए बताइए कि कॉल रिकॉर्डिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, फंक्शन कहाँ पर होता है। तो मैं आज उन्हीं के लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ। जिन भाइयों के पास रेडमी फोन है या कोई भी एंड्रॉयड फोन है तो आप मुझे कॉमेंट कीजिए कि कॉल रिकॉर्डिंग आप पे स्टार्ट नहीं होती है, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। एक भाई का ये कॉमेंट देखो यहाँ पर आया था, उन्होंने पूछा था कि मुझे रेडमी के बारे में बताइए, क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाई थी वो इन्फिनिक्स के बारे में बताई थी कि इन्फिनिक्स फोन में आप कॉल रिकॉर्डिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक भाई का कमेंट आया था कि आप हमें रेडमी फोन में बताइए। तो आज जितने भी भाई रेडमी फोन यूज करते हैं उनके लिए गुड न्यूज लेकर आया हूँ कि ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। उसका ये फायदा होता है, आपको पता लग जाता है कि कौन हमारे फोन से कितनी देर कहाँ पर बात किया है या नहीं किया है, तो ये सीक्रेट जो है सारा पता लग जाता है, इसलिए इसका बेनिफिट बहुत ही अच्छा होता है। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ऐसी वीडियो आपको हमारे चैनल पर जो देखने के लिए मिलती रहेगी। तो भाई आपके पास अगर रेडमी फोन है तो वो बहुत ही ध्यान से सुनना, मैं अपने फोन की जो है कॉल रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे ये देखिए मैंने अपने फोन की जो है कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली है। अब जिन भाई के पास रेडमी फोन है उन्हें बहुत ध्यान से देखना है कि ये सेटिंग जो कहाँ होती है और कैसे इसे इनेबल कर सकते हैं और कैसे इसे सुन सकते हैं। तो यहाँ पर ये मेरा फोन है, रेडमी का फोन है ये मेरा, इसमें जो है मैं देखो कॉल रिकॉर्डिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर सेटिंग की बात करें तो सेटिंग में ये ऑप्शन कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा, आपको क्या क्या अपने फोन पर जो डायल पैड ओपन कर लेना है। जैसे ही आप अपने फोन पर डायल पैड ओपन करेंगे इस तरीके से, तो आपको ऊपर जो है थ्री डॉट का निशान दिखता है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर थ्री डॉट का निशान दिखेगा, यहाँ पर आपने क्लिक करा, फिर आपको यहाँ कॉल सेटिंग मांगेगा। तो यहाँ पर ये देखिए कॉल सेटिंग है, यहीं पर जो है आपको रिकॉर्ड सेटिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। वैसे तो ये ऑप्शन कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें जो है यहाँ पर देखो ये आ रहा है रिकॉर्ड सेटिंग, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप रिकॉर्ड सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो आपके फोन में ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट होता है डोंट रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली, लेकिन आपको रिकॉर्ड कॉल करनी है तो आपको क्या करना है कि रिकॉर्ड ऑल कॉल ऑटोमेटिकली इस पर आपको क्लिक करना है। इसका बेनिफिट ये होगा, ये कह रहा है कि रिकॉर्ड जितनी भी कॉल मतलब सारी कॉल आपके फोन में जो रिकॉर्ड हो जाएंगी, किसी का फोन आएगा या किसी के पास आप फोन करोगे। तो यहाँ पर जो मैंने टिक कर दिया है, अब गाइस मैं आपको दिखाता हूँ कि कॉल रिकॉर्डिंग होती है या नहीं होती है। तो मैं यहाँ से जो है कट कर देता हूँ, बैक चला जाता हूँ और फिर यहाँ से कस्टमर केयर का नंबर लगाकर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कॉल रिकॉर्डिंग इनेबल होती है या नहीं होती है। तो मैंने यहाँ पे जो कस्टमर केयर का नंबर जो लगा दिया है। अब फाइनली यहाँ पे ये देखिए ये रिकॉर्ड सुन लिख कर आ रहा है यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पर कॉल चालू रिप्रेस मतलब उठा ली जाएगी यहाँ पे रिकॉर्डिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो ये गाइस यहाँ देखिए ये रिकॉर्डिंग जो है यहाँ पे इस वाले पे ये आ रहा है लिख के, यहाँ पे जो है आपकी जो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने लगेगी। जैसे यहाँ पे ये नंबर उठा दिया जाएगा या किसी भी नंबर पर आप कॉल करोगे उस पर बात होगी, तो यहाँ पर जो है पूरी रिकॉर्डिंग जो है सेव हो जाएगी और आप उसके लिए बहुत ही आसान तरीके से सुन सकते हैं। तो गाइस आई होप इच्छा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में बताना कि आपकी जो वीडियो है मतलब आपका जो कॉल रिकॉर्डिंग वाला सिस्टम है वो आपके रेडमी फोन में इनेबल हुआ या नहीं हुआ। तो मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।